हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने डिप्रेशन के ऊपर एक मोटिवेशनल सीरीज़ चालू की थी, तो आज उसका डे टू है और आई थिंक आप सभी लोगों ने अपना काम शुरू भी कर दिया होगा। जिन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो सबसे पहले जाकर वो वीडियोस देखिए। और इफ़ अगर आप ये टॉपिक नहीं भी चाहते हैं, तो और भी कई सारे टॉपिक्स हैं मेरे चैनल पे, आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि आपको अपना रूटीन सेट करना है, मतलब कि आपको सबसे पहले एक्टिव होना होगा फिज़िकली, फिर हम मेंटली की भी बात करेंगे कि हम मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने बुलेट जर्नल बनाया, मतलब आपका रूटीन सेट हो गया, रूटीन सेट हो गया तो आप भी रिलैक्स हो गए, आपका माइंड काम डाउन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे सोशल बनना है। सोशल बनने से घबराहट होती है, मैं जानती हूँ, और वो उन्हें भी होती है जो नॉर्मल होते हैं, जिनकी ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सोशल होने में घबराते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, आज के सोशल इंटरेक्शन में एक अच्छा हेल्दी पर्सन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसकी भी ये कंडीशन हो गई है कि वो खुद दुखी है अभी इस वक्त, और अगर वो दुखी है तो वो क्या करेगा, दुखी होने में कॉम्पिटिशन करेगा, और जिसके कारण ही आपका ये जो डर है ना, वो इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि दूसरे को भी सेम चीज़ है, दूसरे को भी नहीं पता कि वो अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचाए। मैं इस कंपटीशन से सभी को घबराहट हो रही है, सब नहीं, सब चाहते हैं कि यार बस कोई हमें कुछ ना कह दे, हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि दूसरा हमें टॉर्चर करे, हमारे बिहेवियर का गलत यूज़ करे, हमारे नेचर का फ़ायदा उठाए। तो ये चीज़ें अभी तो बहुत बढ़ चुकी हैं पहले से, तो ऐसा नहीं है, वैसे कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में तो आपको पीछे खींच लेती हैं। तो इसको कैसे कम करेंगे, अभी एक उदाहरण से समझाती हूँ आपको। जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी, किसी को विश्वास नहीं होता है, जब मेरे फ्रेंड्स देखते मुझे टीचर कैसे बन गई, इसको किसने टीचर बनाया, मतलब कि कहने का मतलब था, मैं बहुत ऐसी लड़की थी जिससे कोई भी कुछ भी करवा लेता था, काम भी करा लेगा, और बस एक चीज़ वो नहीं कर पाता था, वो था मुझे बुरा बना देना, और वो आज भी लोग नहीं कर सकते क्योंकि मैं किसी बुरे व्यक्ति से कॉम्पिटिशन करती ही नहीं हूँ। मुझे मालूम है उसकी खोपड़ी ख़राब है तो आप क्या करोगे उसमें थोड़ी कंपटीशन करना है, अब वो उसकी गलती, गलत कर रहा है तो गलत करने वाले का प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी है। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताती हूँ, मेरे टीचर्स मुझे हमेशा देखते थे, वो आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी द लास्ट इम्प्रेशन, ये बात झूठ है, मुझे झूठ लगती है, क्योंकि किसी को जानने समझने में बहुत समय लगता है, आप नहीं कह सकते फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी द लास्ट इम्प्रेशन। कारण ये है उसका कि आप कोई अंतर्यामी नहीं है कि आप किसी के अंदर घुस सकते हैं, या कोई किसी की कोई सिचुएशन हो उस पर उसने रिएक्ट किया हो और आपने ये सोच लिया ये इसका बेसिक नेचर है। अब मैं आपको उसको एक एग्जांपल से बताती हूँ, मेरे स्कूल लाइफ से ही बताती हूँ, ठीक है। मैं स्कूल में, मेरे टीचर्स कहते हैं ना, टीचर्स बड़ा गुस्सा आता है जब बच्चे उनकी बात नहीं मानते, मैं उनकी बात हमेशा सुनती थी, इवन हर उस व्यक्ति की जो मुझसे बड़ा है, जिसका इतनी अथॉरिटी बनती है कि मैं उससे शिकायत नहीं कर सकती। तो वो टीचर बोलते थे बहुत मैच्योर लड़की है, कितनी समझदार है, किसी से कुछ नहीं कहती वो। इवन मैं किसी बच्चे की कंप्लेन लेके नहीं जाती थी कि इसने मेरे साथ ये किया, जबकि करते थे लोग, मैंने अभी बताया कि मेरा तो इस्तेमाल हुआ है। अब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई बोल्ड नहीं है तो टीचर कैसे बनी, जब खुद तेज नहीं है तो वो टीचर कहाँ से हुई।
मैंने यही बताया कि लोग उस चीज़ को खुद नहीं जानते, तो वो आपको क्या जजमेंट देंगे। उनका मतलब है कि टीचर इज समवन जो चिल्लाती है, मारती है, डांटती है, पर टीचर होने का ये अर्थ नहीं है, और इसलिए वो टीचर आज यहाँ टीचर बन के बैठी है। ठीक है ना, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि कई लोग इसे भी बड़ा गलत समझते हैं मैच्योर होने को। मैच्योर होने का मतलब वो ये सोच लेते हैं कि इफ कोई अपने मन की बात कह रहा है, जैसा आजकल लोग कहते हैं ना, सिंपल है, तो सिंपल और इमेच्योर को मिक्स कर दिया गया है, बट ये बात पूरी सच नहीं है। हाँ, लोग अपने दिल की बात करते हैं, अपने मन की बात वो ऑब्वियसली आपसे कह देंगे, पर हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान ही मत रखो, आप यही मत सोचो कि किससे आप क्या कह रहे हो, आप अच्छे व्यक्ति से कह रहे हो, बुरे से कह रहे हो, ये पॉइंट होता है। तो इस चीज़ को भी मैंने बड़े होकर जाना था। मैं जब बड़ी हुई तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस चीज़ में फेल क्यों हो जाती थी। मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, इससे आप कैसे कम आउट होंगे, आप इससे कैसे बाहर आएंगे। मतलब बुरा व्यक्ति तो बुरा ही करेगा, बुरे व्यक्ति को आपके अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो गलत काम करेगा। तो मेरे टीचर्स जो मुझे अप्रिशिएट करते थे, और गुरु का आशीर्वाद है, तो मैंने भाग्य पर बहुत बात की है, भाग्यशाली होने पर, तो गुरु का हाथ जिसके सिर पे होता है वो भाग्यशाली होगा ही, कैसे नहीं होगा। उसने विद्या को फॉलो किया, उसने अपने गुरु की बात मानी, तो आज उसकी कंडीशन ये है कि उसको सब अच्छा मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट होता है। तो वो क्या करते थे, जैसे इम्प्रेशन बन जाना, मैं किसको बोल रही थी कि फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन को मैं सही क्यों नहीं मानती। तो मेरा बिहेवियर हमेशा टीचरों से अच्छा रहा है, वो जो भी कहेंगे मैं उसको मान लूंगी, चाहे मेरी गलती हो तो भी मैं कहती हूँ कि हाँ नहीं मैम, आप सही कह रहे हैं, आप ही सही बोल रहे हो। तो मैं मेरे एक टीचर से टकराई, मेरे कोचिंग टीचर थे वो मैं मतलब बुरा ही नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज की डेट में मैं किसी को सबसे ज़्यादा याद कर रही तो उन्हें ही करती हूँ। तो वो टीचर थे मैथ्स के टीचर, और मेरी मैथ्स बड़ी वीक थी, पढ़ने में तो मैं कुछ खास अच्छी नहीं थी उस टाइम। तो मेरे टीचर मुझे डांट देते थे, और फिर क्या पता उन्होंने मुझसे यूं ही कह दिया कि लड़की बहुत तेज है, अरे तो जवान लड़ाती है। ये सुन के मेरा ही वो हर्ट हो गया जिसने लाइन कभी नहीं सुनी थी, तो उसका फिर सोचिए क्या हाल हुआ होगा। तो अब मेरे फादर से मैंने डिस्कशन किया, और उन्होंने ये भी कहा तो मेरे पापा से शिकायत भी करूँगा। और ये अच्छी बात होती है, जो ऑनेस्ट पर्सन होता है ना, जिसका इंटेंशन खराब नहीं होता आपके प्रति, तो उसकी बात को सही में माइंड नहीं करना चाहिए उसको। आपको सही में, यदि वो आपको कुछ भी कह रहा है तो भी मान लीजिए, वो तेज भी बोल रहा है तो भी स्वीकार कर लीजिए, हाँ है मतलब उस पे काम करेंगे हम। तो मेरे फादर आए, वो हंस-हंस के पागल हो गए उन्होंने बताया नहीं, वो उसका पर्सनल नेचर नहीं है, आप इस तरह से मत कहिए, हाँ उसकी जो हैबिट्स हैं उस पे काम करेगी, वो बाकायदा आपकी बात भी सुनेगी और आपसे आर्ग्यू नहीं करेगी, क्योंकि वो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट है कि बच्चे, आधे बच्चे वहीं से गायब हो जाते हैं, आधे बच्चे वहीं से लौट जाते हैं। मेरे स्कूल में उनके बारे में गॉसिप्स भी होती थी कि अरे वो टीचर तो बहुत डेंजर है यार, क्योंकि मेरे स्कूल की फ्रेंड ने ही ये इंसिडेंस खुद देखा है, तो वो हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया, सभी को बताया, डिस्कशन किया, अरे यार मैं तो बिल्कुल शॉक हूँ, ये कैसे हो सकता है, निधि है क्या तो ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें लाइफ में अनसर्टेन होती हैं, आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। बट हाँ, जिन लोगों को स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त, वो क्या करते हैं, इसे पकड़ लेते हैं। ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही बोला मुझे, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं ये बताई थी लेकिन ये क्यों समझा। तो मतलब ये पकड़ने वाली जो क्वालिटी है बेकार है, किसी के भी साइड से, अगर आप बड़े भी हैं किसी से, मतलब आपसे कोई छोटा है तो भी ये काम मत करिए। जो पेरेंट्स होते हैं अभी के एक्चुअली गलती किसी की नहीं है, एनवायरनमेंट बन चुका है वैसा,
तो वो कहते कल उसने ऐसे बात की। और आप खुद भी अपने बराबरी वालों से यदि गलत व्यवहार करेंगे तो वो भी यही सोचेंगे कि खुद पे जब अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं ना मुझे तो बहुत कह रहे थे, खुद ने तो कुछ किया नहीं। तो ये मतलब इस तरीके से कॉम्पिटिट मत करिए उस चीज़ में, उस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन मत करिए कि मैं ही सही था, आई एम राइट, आई एम गुड, मैं तो अच्छा हूँ। अच्छे हो तो साबित मत करो आप अच्छे हो, क्योंकि आप अच्छे हो तो आपको साबित करने की ज़रूरत क्या है सामने वाले को। और यदि कोई आपको बार बार टोक रहा है किसी चीज़ पे, तो इसका मतलब है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे क्लियर नहीं हो रही, वो आपको नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि चार यदि आपसे कुछ नहीं कह रहे, चार लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, पर वो एक व्यक्ति कह रहा है, इसका मतलब उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो आपके बारे में गलत चीज़ धारणा बना रहा है अपने माइंड में, और ये चीज़ और पक्की होती जाएगी इफ़ यदि आप उसे एक्सप्लेन करते रहेंगे, आप उसे समझाते रहेंगे ना, नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैंने ऐसा कहा था, आप ऐसा समझे। तो वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी, आर्ग्यूमेंट बनती चली जाएगी, डिस्कशन विल बी आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन बन जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो उस चीज़ से बचिए। होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि यदि हम उस चीज़ को अंदर रख लेंगे होता यही है कि अब हमको भी पता है कि हमें अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, नहीं आ रहा समझ में तो क्या करो। पर अगर हमको हमको ऐसा लगता है कि यदि हम उस चीज़ को अंदर रख लेंगे ना कहीं हमको वो ट्रिगर करने लगेगी। अब हमें ऐसा लगेगा हम किसी से बात करते, किसी ऐसे को बताते जिसको वो बात समझ आती, या कोई सल्यूशन मिलता। हाँ सल्यूशन ही मिलता, सल्यूशन ढूंढने के लिए हम किसी से बात करने लगते हैं, किसी अच्छे से भी करते हैं, किसी बुरे व्यक्ति को बता देते हैं, और फिर बुरा तो फिर बुरा ही होता है। तो अच्छे व्यक्ति को बताएं, अब वो इमोशनल है आपके लिए, वो तो जानता है कि आप कैसे हो, आप असल में कैसे हो। तो वो ये सोचेगा कि वो अदर पर्सन को पहले डोमिनेट करेगा, वो सोचेगा कि दूसरे ने गलत किया होगा इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। हालांकि बहुत जो लोग जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होता है इस चीज़ में, वो फिर भी उसमें अच्छे होते हैं। थैंकफुली एक योग टीचर तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। आज मेरे पास कोई दो लोग आपस में भिड़ के आएंगे, वो कहेंगे भाई मेरा पक्ष लो, मैं सही था, तो मैं उससे एक ही आंसर कहती हूँ, मैंने नहीं देखा हु वॉज राइट एंड हु वॉज रॉन्ग, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना। अब आप जो कह रहे हैं उसको मैं सही कैसे कर पाऊंगी, मतलब मैं जजमेंट नहीं दे सकती उसमें, आपको मैं कैसे बोलूं कि आप सही हैं या गलत हैं, ऐसा होता है ना। तो ये तरीका होता है। और जिसको पक्षपात करना होता है, जैसा कोई और होता, तो वो पहले ये नोटिस करेगा कि मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा कहीं मेरी तो लगी नहीं पड़ी है, तो वो क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति को हटा देगा लिस्ट से, या कोई ऐसा होगा जिससे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ठीक है इसको जान दो यार। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि सपोज वो प्रॉब्लम में आप होते, आज आप ये सोचते कि समवन विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, कोई मेरा साइड लेगा, तो साइड की एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि साइड कुछ नहीं होता है, सब अपना अपना देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं। वो यही सोचते हैं कि भाई मेरी लाइफ सही रहे, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो जिसको उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक उस तरीके से का भाव नहीं रख सकता, उस तरीके का भाव वो अपने अंदर नहीं रखता। और कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी हम शो नहीं करते, जैसे कोई और होता, एक और व्यक्ति हो सकता है कि वो आपको शो नहीं करेगा कि आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और पीछे से वो आपकी हेल्प करता है। वो उसकी आंखों में दिख जाएगा, वो उसकी आंखों में दिख जाएगा कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहा है कि किसी तरह से वो मैनेज हो जाए। और कोई कोई होता है जो वाकई आपकी हेल्प करता है, जब उसे लगता है कि आपके साथ वाकई गलत हुआ, कोई कोई तो स्ट्रेट बोल देता है हाँ यू आर राइट।
बट हाँ, इस चीज का लोग कहते हैं ना, आजकल यही चीज नहीं हो पा रही है ना, कि हमको चाहिए कोई हमें इमोशनली सपोर्ट करे, केयर भाव से देखे। अब ये ओल्ड जनरेशन क्यों कहती है कि भाई न्यू जनरेशन सहनशील नहीं है, तो सहनशील का यही तो मतलब है कि आप कोई सिचुएशन थी, आप अंदर ही अंदर खोलते रहे, जबरदस्ती उस बात को पकड़ के बैठ गए, तो वो सहनशीलता का एक पॉइंट है। तो हेल्दी होने का यही मतलब है ना, कि आप उससे अपने आप को हार्म नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी तकलीफ आप क्यों बढ़ाएंगे किसी दूसरे के कर्म पर। दूसरा जो कर रहा है वो कर रहा है, वो उसकी जर्नी है, वो उसके लिए वही रहेगा रिस्पॉन्सिबल, आप थोड़ी रहेंगे। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दीजिए, डिस्कशन मत करिए, मतलब ओवर मत करिए किसी भी चीज़ को। और यू कैन सिंपली से ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, बहुत बहुत ही मूड खराब है, बोले ठीक है आपकी मर्जी, आप सही में गलत, मतलब एक होता है, मतलब मुंह से ही निकल जाएगा कभी कभी, ठीक है आपकी मर्जी, हमें क्या करना, पर हमें क्या करना मत बोल दीजिएगा। ठीक है भाई, मेरा जो था मैंने आपको बता दिया, अब जो आपका है वो आप समझ लीजिए। तो ये होता है एक तरीका। अब इस गैप को कैसे कम करेंगे, ये गैप तो होता ही है, पर हम इसको कम कैसे करेंगे? तो उसका पहला पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर। अभी गुड लिसनर को लोग क्या समझते, मैं बताती हूँ। गुड लिसनर का मतलब हो गया कि मैंने कोई बात बस सुन ली, सिर्फ सुन ली, दिमाग में नहीं गई। जैसे एक उदाहरण देती हूँ भाई, कोई फैमिली मेम्बर्स है आपस में टेलीविजन देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे फादर बैठे हैं और आपकी मदर बैठी हुई हैं। अब फादर ने कहा भाई एक कप चाय बना दो, और ने टीवी का रिमोट ऐसे दबा दिया। अब वो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, खो गए हैं उसमें। बट कुछ कुछ उनका जो ब्रेन है, जिसके बारे में बता ही चुकी हूँ कि ब्रेन तो बहुत शक्तिशाली होता है, उसके पास इतनी क्षमता है कि ये दो छोटी आँख से पूरा कमरा देख लेता है, याद हो जाता है उसे। तो अब भाई मदर आई पास में, बोले ठीक है अभी बनाती हूँ। अब उन्हें एक कप चाय बनाई, मैं चाय बना के ऐसे ऐसे दे रही हाथ में, रख दो रख दो। अब उनने रख दी, अब वो टीवी में खोए चले जा रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद बहुत एकदम ऐसा सीन आया कि उनको चाय का याद ही नहीं रहा, क्योंकि चाय की बात तो हो चुकी थी ना। तो लेकिन फिर उनको दिमाग में रहा, ठीक है टेबल पे तो रखे, अब भी उठा पी लूँगा ऐसा। और फिर बाद में अचानक क्या हुआ भाई, वो टेलीविज़न की न्यूज़ समाप्ति की ओर आ गई, कुछ चेंज हो गया टॉपिक, फिर ध्यान आया अरे यार चाय रखी थी। अब उन्हें चाय उठाई तो वो ठंडी थी। आधा घंटा से ऊपर हो गया, ठंडी हो गई। तो फिर उन्होंने मदर से कहा, अरे ये चाय तो ठंडी है, मैं तो गर्म चाय पीना है। अब उसी पे से बहस होने लग जाएगी कि चाय ठंडी क्यों दे दी, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा माइंड में। उन्हें कहा कि यार तुम चाय लाई थी, मुझे बताया नहीं चाय रखी थी। तो बोले मैंने आपसे कहा था टेबल पे रखी, आपने उठा के नहीं पी, तो मैं क्या करूं। और इस चीज पे अब वाद विवाद होता है, पहले नहीं होता था, आज के टाइम पे इस पे भी वाद विवाद होता है कि भाई आप किसी ने ला के इतनी मेहनत से रखी और दूसरे को मतलब ही नहीं है, और दूसरे ने मतलब उसने अपना काम किया, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है ना। मतलब उदाहरण दे रही हूँ मैं, किसी को पर्सनली पॉइंट नहीं कर रही हूँ कि घरों में यही होता है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर ऐसा होता है। और अब ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि थोड़ा सा भी कुछ बात हो गई, अरे मैंने बोला था तुमने नहीं किया, ऐसा होता है। मतलब अपनी गलती मानने की जगह दूसरे को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ। अब दूसरा क्या करे, अगर दूसरा उसको पकड़ के बैठ जाए, जैसे वो मदर थी, वो पकड़ के बैठ जाती, देखो मैंने इतना एफर्ट डाल के 5 मिनट की चाय बनाई।
इतनी चाय बनाई मैंने, इतने अच्छे से प्यार से बनाई, इतने अच्छे से रखी, और ये मुझे डांट रहे हैं, ये मुझसे चिल्ला रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी कोई दूसरी होती ना देती भी नहीं। बड़ा तो कंप्लेनिंग, गुस्सा आ जाता है एकदम से। और फिर वो क्या चाहता है दूसरा व्यक्ति, अभी मुझे मनाए, मुझसे सॉरी कहें। मतलब इस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, और पहले ये नहीं होता था, पुराने जमाने में ये नहीं होता था। और पुराने जमानों के में जो बाल थे ना, इसलिए वाइट नहीं होते थे किसी के, उम्र के बाद ही होते थे। अब पहले ही हो रहे हैं, मेहंदी लगा लगा के थक गए हैं, कुछ भी लगा लो, डाई लगा लो, विग लगा लो, झड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं। तो अच्छे लिसनर बनिए। अच्छे लिसनर का मतलब क्या हुआ? आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ फेस टू फेस, कैमरे में देख के बात कर रही हूँ, आप मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं कैसे हाथ हिलाती हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या उदाहरण दे रही हूँ। अभी मैं ऐसे बात करूंगी तो आपको लगेगा ये नीचे किससे बात कर रही है। तो ऐसा ही होता है, कम्युनिकेशन जो है पूरी बॉडी का एक्टिव होना है, पूरे बॉडी आपकी उस टाइम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्टिव रहनी चाहिए। अभी ऐसा होता है, एक हाथ से फोन ऐसे ऐसे किया, हाँ, क्या कह रहे थे, हाँ, अब ये सिचुएशन बन गई है, तो किसी को आपकी बात क्यों समझ आएगी और आपको उसकी कैसे आएगी? तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी पर्सनालिटी की क्वालिटी नहीं है। आप बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, तो यू कैन सिंपली से ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में बात करते हैं। अभी बहुत सारे वाइफ की आदत होती है अपने हस्बैंड को मीटिंग में फोन कर रही हैं, वो कह रही हैं अरे यार वो फलाना सामान लाना है, पूछा भी नहीं कि वो कहाँ है और कैसा है, क्या कर रहा है, फ्री है नहीं है, सीधा बोल दिया कि अरे मैंने बोला था उस दिन, आप भूल गए। मतलब अजीब सा बिहेवियर हो गया, टेंशन हो गई है लोगों को, एंजाइटी हो गई है। तो चलिए अब एक आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हमारी बात एक्सप्रेस सही हुई नहीं, इसको कैसे पता करें? सबसे पहली बात है कि लोग इस समय बन चुके हैं एक डिक्शनरी, वर्ड टू वर्ड डिक्शनरी। मतलब कोई एक शब्द है तो उसको पकड़ लिया। अब ये नहीं समझना चाहा कि अगले व्यक्ति ने क्यों कहा होगा, उसके अंदर में वो क्या इंटेंशन रहा होगा। उदाहरण के लिए बताती हूँ, ऑरेंज के दो अर्थ होते हैं, एक फल होता है, एक कलर होता है। और भाई कोई ब्रांड हो तो ऑरेंज नाम का, तो वो भी हो सकता है ना? तो अब ऑरेंज का मतलब तीन तरीके से हो गया। तो अब आप जब आप सब्जी की बात होगी तो ऑब्वियसली हम ऑरेंज तो नहीं कहेंगे, या सॉरी कलर और ऑरेंज फ्रूट की बात कर रहे थे हम, फ्रूट में कलर भी वही है। आप पर एक एग्जांपल है ये कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको वर्ड टू वर्ड कैच मत करिए। वर्ड टू वर्ड कैच कब होता है आपको पता है? जब हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाला ना हमसे लड़ेगा यदि हमने अपनी बात रखी तो, डाउटफुल होके बात करते हैं, तब ये चीज़ हो जाती है। तब आप क्या सोचते हैं कि अब ये ना मुझे ऐसा रिएक्शन देगा, अभी अभी ये ऐसे ही बोलेगा। मतलब मन में पहले खुद सोच लेते हैं गलत चीज़, और जब वो जो जो अपनी बात कह रहा होता है उसको उस सिचुएशन से रिलेट कर देते हैं। मतलब नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव बात बोली थी, पर उसको नेगेटिव हमने अपनी मेंटलिटी से कनेक्ट कर लिया, तो वो हो गया गैप, कम्युनिकेशन गैप बन गया। शब्द सही था पर इंटेंशन किसका क्या था? और गलत इंटेंशन वाले की आंखों में दिख जाता है कि वो गलत बात कह रहा है। किसी की आंखों में शर्म है, उदासी है, तो वो ऑब्वियसली आपसे नहीं लड़ रहा है। जब किसी की आंखों में उदासी होती है तो वो आपसे झगड़ा कर ही नहीं सकता, एनी हाउ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आया ही उस पर्पस से था कि वो अपनी बात आपको रख सके, आपके सामने क्लियर हो सके, कुछ अपना पर्पस बता सके आपको उस चीज़ को कहने का। तो
तो उस पे गुस्सा होने का, चिड़चिड़ाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और ये जो लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन, ये बेबुनियाद है। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक सामान के लिए एक बोला जाता है। जब कोई हम सामान खरीदते हैं ना, तो सामान खरीदते टाइम वो हम अपनी तरफ से सिलेक्ट करते हैं, शॉपकीपर नहीं देता, हम खुद सिलेक्ट करते हैं हमें ये सामान चाहिए। तो जब हम चाहिए, मतलब हमारा, हम सेल्फिश हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। जब आप सेल्फिश होते हैं ना, तब आप ये लाइन बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। जो तुमने किया मेरे लिए सही था, इसलिए वो सही हो गया, तो वो बिल्कुल गलत है। आप ऐसी धारणा मत बनाइए कि फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। तो ये कुछ डिस्कशन किया मैंने कम्युनिकेशन को लेके। और एक और चीज़, आप इसमें ट्रेन कैसे हो सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे मैं हाल फिलहाल एक कैमरे को यूज़ कर रही हूँ, आप इस कैमरे को एक मिरर मान लीजिए। जैसे आप ये करेंगे, तब एक मिरर ले लीजिए, आप एक मिरर ले लीजिए और उसमें प्रैक्टिस करिए। और हाँ, उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हों, पहले वो करिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। हाँ, बुरा मत कहना, नेगेटिव कुछ भी मत कहना, कोई भी नेगेटिव चीज़ मत करना, बस जो भी करो पॉजिटिव करो। जैसे आपको टीचिंग का शौक हो यदि, तो आप पढ़ा सकते हो आईने में देख के, और एक तरीके से ऑनलाइन टीचिंग ही हो गई वो। दूसरा ये, यदि आप खुद से बात करना चाहते हैं, खुद से कुछ शेयर करना चाहते हैं, जैसे अभी आप डायरी रखते थे, मैंने बताया था डायरी को कैसे ट्रीट किया जाता है, गॉसिप नहीं करना है, अच्छी बात बोलना है। तो अपने आप को समझाइए, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अच्छा रहना है। आप अपने टीचर खुद बन चुके हैं इस वक्त, और बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एकलव्य उनका एक उदाहरण है, एकलव्य के बारे में सभी जानते हैं, वो एक उदाहरण है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये एक तरीका है कि आप सोशली वापस से एक्टिव कैसे होंगे, वापस से अपने ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे, आप हैप्पीली कैसे अपने आप को फिर से अच्छा बना सकते हैं, सब लोगों में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के मेरे पास आए थे कमेंट्स, उनका नाम था शायद राधिका, हाँ, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, मुझे अच्छा लगा। और वो जो भी पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।